हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त हिमांशु और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी HK पर। आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? तो 15 तारीख से स्कूल और कॉलेज की नियमित पढ़ाई स्टार्ट होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूल खोलने को लेकर मांगी रिपोर्ट। हरियाणा में 15 से खुलेंगे स्कूल। 1 नवंबर से कॉलेज में नियमित पढ़ाई। इस 15 से कॉलेज हरियाणा के स्कूल खुल रहे हैं और नवंबर में 1 से पढ़ाई कॉलेज में भी स्टार्ट होगी। 15 अक्टूबर से प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू है। हालांकि अभी नियमित रूप से स्कूलों का संचालन नहीं होगा। इस बीच 1 नवंबर से कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में भी नियमित पढ़ाई शुरू करने की योजना पर काम जारी है। उच्चतर व स्कूल शिक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ताज़ा गाइडलाइन के बाद तैयारियों में जुट गया है। इससे पहले केंद्र के निर्देशक पर 15 सितंबर से राज्य में 9वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने की छूट दी चुकी है। अभिभावकों की अनुमति के बाद इन कक्षाओं के विद्यार्थी अपनी समस्याओं के समाधान लेने के लिए शिक्षकों से मुलाकात करने स्कूलों में आने शुरू हैं। इसी तरह से कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो फिलहाल मैंने भी अभी कुछ स्कूलों में देखा है, स्टूडेंट्स अब जाना स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्कूल्स वगैरह, और बहुत अमाउंट में स्टूडेंट जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा के कॉलेज से बाहर निकलते हैं। और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए अभियान। तो अभी जो स्कूल स्टूडेंट जा रहे हैं बेसिकली अपने पेरेंट्स की परमिशन से जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स की परमिशन है, लेटर लिख के स्कूल वालों को दिया जाएगा तो उनको अलाउ करेंगे स्कूल आने के लिए। और एक और है इसके साथ, क्या क्या कंडीशंस है अगर कॉलेज और स्कूल्स खुलते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, छात्रों और अभिभावकों के काम की 20 अहम बातें। ये 20 अहम बातें हैं जिसके हिसाब से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे और ये सब काम होगा। स्कूल में हर क्लास के बच्चों को आने जाने का समय अलग अलग होगा। स्कूल खुलने के 2-3 हफ्ते तक मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, क्लास वाइज टाइमिंग दी जाएगी, टाइमिंग भी रिड्यूस होगा किस हिसाब से, और अलग अलग आने जाने का टाइम होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो सके। स्कूल में समारोह इवेंट नहीं होंगे, क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग लागू होगी। कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई फेस्टिवल नहीं हो सकते, इवेंट नहीं हो सकते। स्कूल को इमरजेंसी केयर सपोर्ट और हाइजीन इंस्पेक्शन टीमें बनानी होगी। इसमें भी टीमें बनाई जाएंगी। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए अभिभावकों को लिखित सहमति जरूरी चाहिए, मतलब कि पेरेंट्स की परमिशन। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें सुविधा देनी होगी। अगर जो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, अगर कुछ स्टूडेंट नहीं आने चाहते स्कूल, तो स्कूल और कॉलेज उनको ऑनलाइन शिक्षा ही प्रदान करेगी। संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टर नर्स एक कॉल पर मौजूद रहें। देखिए, कॉल पे आना पड़ेगा नर्स को अगर कुछ होता है ऐसा। बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर ढील बरती जाएगी, मतलब कि छुट्टी कर ली, पहले होता था ना 100% आना है नहीं तो ले भाई डंडा तैयार है और इतना फाइन लगा देते थे, अब ऐसा नहीं किया जाएगा। एक दिन आओ, एक दिन जाओ, छुट्टी, घर पर बैठो, अपनी पढ़ाई करो अच्छे से जो सेल्फ स्टडी करते हैं, और इतना अटेंडेंस का रूल नहीं माना जाएगा। स्कूल MOP के बारे में नोटिस देकर अभिभावकों को बताएंगे कि हम कैसे स्कूल ओपन कर रहे हैं, किस आपके बेटे की टाइमिंग क्या है, सिस्टम सारा कैसा स्कूल का। पूरा परिसर रोज़ सैनिटाइज़र होगा, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि भी, तो सैनिटाइज़र किया जाएगा रोज़। क्लासरूम में हवा का सही बहाव रखने के लिए खिड़कियाँ खुली रहेंगी। क्लास या ग्रुप एक्टिविटी के दौरान मास्क अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों को घर में ही पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। अगर कोई कोरोना पीड़ित स्टूडेंट है तो उसको घर पे ही सहमत के साथ उसके घर पे ही पाठ्यक्रम की सामग्रियां पहुंचाई जाएगी, वो घर पे ही पढ़ेगा। राज्यों को अकादमिक कैलेंडर में बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षक स्टाफ के स्वास्थ्य को रूटीन जाँच की जाएगी, स्टाफ वगैरह की रेगुलर जाँच करते जाएंगे बीच बीच में। राज्य सरकार के फैसले के बाद स्कूल अपने SOP भी बन सकेंगे।
कोरोना के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग रखने होगी। तो बेसिकली काउंसलिंग भी होगी बच्चों की, बच्चों को भी चेकअप किया जाएगा कोरोना के लिए। बच्चों को किताबों के साथ साथ रोचक गतिविधियों से पढ़ाने पर जोर होगा। कमरों के अलावा खुले स्थान पर पढ़ने से बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ग्राउंड में ही बिठा के पढ़ाएंगे मुझे तो लगता है। फैसलों से पहले राज्य स्कूल और अभिभावकों के संगठनों से बात करेंगे। तो ये 20 कंडीशंस हैं जिस हिसाब से स्कूल, और अब खुल ही जाएंगे स्कूल क्योंकि सब तो चली गए। जब आप खाने पीने के लिए कमा रहे हो तो बच्चों को अभी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और कॉलेज तो फिर भी स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी ऑनलाइन चलता ही है, बड़ी कॉलेज वाले जो स्टूडेंट के पास मोबाइल वगैरह अवेलेबल होता ही है एज़ कम्पेयर टू जो +1 +2 है, पर इनके पास भी आजकल सब कुछ होता है। तो ये 20 कंडीशन है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।